गाइस कैसे हो आप लोग? सर पे टेंशन आज खत्म होने वाला है, मतलब 6 चैप्टर पूरे के पूरे खत्म कर दूंगा आज। सर पे टेंशन में हम लोगों को जैसे कि एक्सेस ऑफ प्रेशर कर मैंने फार्मूले लिख के दिए थे पहले ही, अगर आपने स्क्रीन शॉट निकाला हो तो ये फार्मूले देखोगे। देखो ड्रॉप के लिए फार्मूला था ट्वाइस टी डिवाइड बाय आर, और बबल के लिए एक्सेस ऑफ प्रेशर फाइंड करना हो तो एक्सेस ऑफ प्रेशर वो 40 बाय आर, अरे टेंशन निकालना है तो यच कैपिलरी, मतलब आज हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में हम लोग टेंशन हाइट भी निकाल सकते हैं, राइस ऑफ फॉल हुआ है टेंशन भी निकाल सकते हो। तो टी इज इक्वल टू यच रो जी आर, हाइट डेंसिटी ग्रेविटी एंड रेडियस ऑफ बोथ ऑफ ट्यूब, मतलब रेडियस है ये कैपिलरी ट्यूब की, टू कॉस थीटा, ये टेंशन निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए इसी को बस 2t cos थीटा, h निकालना है जो डिवाइडेड बाय r है, रो जी आर, मतलब h और r का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ये समझ लेना है आपको। देखो स्टूडेंट, इसके बाद में हम लोग आज MCQs के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि MCQs इंपॉर्टेंस है इसके। तो MCQs कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए, मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो जाके देख लेना, आपको जो भी चैप्टर अच्छा लगता है जो आता है, मतलब ज्यादा वेस्टेड टाइम मत करो, अगर ये आपको आता है कुछ क्वेश्चंस तो स्किप करते जाना है उसको आगे आगे। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस पढ़ा के दिखा रहे हैं और वही सॉल्व करके दूंगा मैं यहाँ पे। अ लिक्विड राइज टू हाइट 3.3 सेंटीमीटर इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर, इफ द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज मेड 0.75 आर, then the height to which the liquid will rise in capillary is, तो वहां पे liquid कितना rise करेगा, ये question है मेरे पास। पहले जो height दी वाली पहले की जो height है बच्चों वो है 3.3 सेंटीमीटर, और जो दूसरे का जो radius है वो पहले से 0.75 r1 से greater है, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, r2 is equal to 3/4 लिख सकते हैं ना, 0.75 मतलब 3/4, देखो डिवीजन करके देखना है आपको। तो हमको पूछ रहा है यहाँ पे, तो सेकंड जो भी कैपिलरी ट्यूब है उसकी हाइट कितनी होगी, कितनी राइज होगी, ये हमारे लिए सवाल है। तो हमने अभी दिखाया था कि यहाँ पे यच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, इसके पहले फार्मूला हुआ, तो हमको यच टू निकालना है, तो यच वन, तो ये आर वन डिवाइड बाय आर टू, बात समझ में आ रही है। देखो इनवर्सली यच टू है तो आर वन, यहाँ पे यच वन है तो आर टू, मुझे H2 निकालना है तो R1 by R2 into H1, तो H2 is equal to, R1 कितना है मेरे पास, नहीं है, चलो R2 है, हाँ 3/4 R1, और H1 कितना है 3.3 है, R से R मर गया स्टूडेंट, तो H2 is equal to, ये हो गए 3.3 multiply 4 divided by 3, समझ में आ रहा है, ये डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये 1.1317 है ना, तो 1.1 मल्टीप्लाई 4, तो 4 1 4 4 4 है ना, 1/4 सेंटीमीटर, मतलब बच्चों यहाँ पे जो हाइट है आप लोगों को दिखाई तो दे रहा है ना पूरा, तो इसकी हाइट जो मिल रही है स्टूडेंट यहाँ पे वो है 4.4 इतनी थी वाली है। ओके कोई डाउट है इसमें बच्चों, आपको फोकस कर रहा हूँ, देखो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, हाँ अब हुआ है आई थिंक, 1 मिनट, हाँ सॉरी थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, 1 मिनट, फोकस क्यों नहीं हो रहा स्टूडेंट, देखो फोकस होने में प्रॉब्लम जा रही है आज थोड़ी, क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं लग रहा है। फोकस हो गया स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेकंड प्रॉब्लम, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट हमारे पास, क्वेश्चन से मेरे पास यहां पे जो दी वाला क्वेश्चन से मैं पढ़ रहा हूं, वाटर राइज इन वर्टिकली कैपिलरी ट्यूब अप टू 10 सेंटीमीटर, मतलब कैपिलरी ट्यूब है ऐसी है ना, पता है ना ये, और ये 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, समझ में आ रहा है आपको ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ट्यूब इज मेड इंक्लाइन टू द लिक्विड सरफेस,
थोड़ा इंक्लाइन किया उसको ऐसे ऐसे, और वो एंगल है हमारे पास यहाँ पे 45 डिग्री, देन द वाटर विल राइज इनटू अप टू द लेंथ इक्वल टू, तो इसकी लेंथ कितनी होगी क्या होगी ये हमको निकालना है यहाँ पे, ओके। तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं अभी। तो यहां पे स्टूडेंट हमारे पास लेंथ निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास फार्मूला था एच रो जी आर इज इक्वल टू टी, है ना, टू टी कॉस थीटा, सही है फार्मूला, समझ में आ रहा है आपको। हम लोग यहां पे सोच रहे हैं यच टू निकालना है, तो ये और तो हम एक काम कर सकते हैं यच बाय कॉस थीटा, है ना, निकाल सकते हैं ना यच बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू यच, यच निकालना है। तो यच है मेरे पास 10 सेंटीमीटर और कॉस 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मतलब 1√2 है, तो यच इज इक्वल टू बच्चों 10, ये ऊपर गया 2 डिवाइड का डिवाइड सेंटीमीटर, तो ये आंसर होगा मेरी लेंथ इतनी इंक्लाइन होने के बाद इतनी मिल रही। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे जो थर्ड प्रॉब्लम दी है यहाँ पे, तो थर्ड प्रॉब्लम में मुझे यहाँ पे देखना है, सबसे पहले दिया वाला है टू वर्टिकल पैरेलल प्लेट, पैरेलल ग्लास प्लेट, सेपरेटेड कर दिया है मैंने 0.5 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर का मीटर में 10⁻³ मीटर, आर केप्ट इन वाटर, द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर दे वाला है यहाँ पे 7 × 10⁻²⁰ N/m, हाउ हाई विल द वाटर बिटवीन द प्लेट, तो यहाँ पे इसकी जो हाइट होगी है ना प्लेट के बीच में कितनी होगी, तो एच निकालना इसका मतलब, अरे एच का फॉर्मूला हमारे पास यहां से निकाल सकते, देखो एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा एज इट इज, ये सभी डिवाइड जा रहे हैं रो जी आर, तो एच 2t की वैल्यू है यहाँ पे 7 × 10⁻², cos 0 1 होता है, नहीं भी लिखा तो भी चलता था, रो है 10⁻³, यहाँ पे बचा है जी, जी को 10 लिखेंगे, आर को लिख रहे हैं हम 5 × 10⁻⁴, समझ में आ रहा है −4 क्यों, पॉइंट शिफ्ट कर लिया स्टूडेंट मैंने, तो यहाँ पे h इज इक्वल टू ये हो गए 14 / 5, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, अब ये हो गए 10⁴ क्योंकि 10⁻¹, 10⁻³, 10⁻⁴, 10⁻⁴ ये हो गए कैंसल यहाँ पे ये, तो ये 7 × 14 / 5, तो यहाँ पे 10⁻², cos 0 कितना 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो h इज इक्वल टू 2 × 5 × 2 और यहाँ पे 40 हो गए पॉइंट लेने का 8 × 10⁻², तो यह इसको लिख सकते हैं ये मीटर में होगा, सेंटीमीटर माइनस टू सेंटीमीटर, मतलब ये जो है यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर इतनी मीटर स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट देखना है क्वेश्चन हमारे पास, अ कैपिलरी ट्यूब हैविंग द 1 मिलीमीटर एंड दूसरा जो रेडियो वाला है 2.5 मिलीमीटर इतना दे वाला है, इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडिया हैविंग द वर्टिकली फ्रॉम द आर्म ऑफ द बैलेंस, द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब जस्ट टचेस द लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन 49 per cm, इतनी दूर, इफ द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 0 है देन द चेंज इन वेट ड्यू टू द सरफेस टेंशन, वेट मतलब बच्चों फोर्स होता है, वेट मतलब फोर्स होता है, मतलब फोर्स निकालना है, तो हमारे पास क्या है F इज इक्वल टू टी इंटू यल, अब ये यल क्या है तो ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि यहाँ पे यल तो हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा क्योंकि ये गोल होती कैपिलरी ट्यूब, तो ट्वाइस पाई आर, लेकिन यहाँ पे 2 आर है इंटरनल एक्सटर्नल है इसलिए R1 + R2, तो F इज इक्वल टू टी है मेरे पास 42, पाई की वैल्यू हम 22/7 या 3.14 भी लिख सकते हैं लेकिन डिवीजन के लिए इजी है, ये मुझे देखो मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, समझ में आता है, सही में मिलीमीटर माइनस 3 होता है कि नहीं, तो 1 × 10⁻²⁰ - 1 - 2 ये -2 होने के कारण सेंटीमीटर, तो ये 0.1 सेंटीमीटर में, समझ में आ रहा है ना कन्वर्जन आता है आप लोगों को, तो 0.1
और ये 0.25 यहाँ पे कन्वर्ट किया मैंने, तो ये हो गए 22 डिवाइड बाय 7 और ये हो गया 0.35। एडिशन आती है ना सबको, 5 और ये 135 है ना, नहीं आती तो देख लेना। इसमें भी बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज करते, इसके नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बस ये ध्यान में रखना था। तो 40 × 2 × 22 ये हो गया बच्चों 5 मतलब हो गया यहाँ पे 0.05 है ना, समझ में तो आ रहा है। ये डिवीजन पॉइंट के डिवीजन होते हैं बहुत सारे बच्चों, यहाँ पे हो रहा है 40 × 2 × 22 5 × 10⁻²। जिनको दिखाई नहीं दे रहा इसलिए यहां लिख रहा हूं आप लोगों को, देखो यहाँ पे 5 × 4 = 20, ये 0, ये 2, ये 22, 10⁻², से ये और ये 2 0 मर गए, तो ये हो गए 4 × 22, तो यहाँ पे 8 8 dying, फोर्स इतना। लेकिन मेरे पास न्यूटन में आंसर है स्टूडेंट, तो न्यूटन करने के लिए मैंने आपको बहुत बार बोला हूं माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर, ये जो फोर्स है 88 × 10⁻⁵ न्यूटन, इतना फोर्स यहाँ पे मुझे मिल रहा है। ओके समझ में तो आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के रखा है 5th, 6th and 7th। देखो स्टूडेंट यहाँ जो फिफ्थ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को लिख के लेना है तो ले सकते हो। क्वेश्चन है सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन, इफ द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज 3 × 10⁻²⁺ न्यूटन पर मीटर, देन द वर्क डन इन द फॉर्मिंग द सोप फिल्म 20 cm × 5 cm will be, तब वर्क कितना होगा, ये मेरे लिए सवाल है स्टूडेंट। तो सोप जहां जहां लिखोगे वहां पे 2TDA, एक्चुअल में हमने देखा है यहाँ पे कि वर्क अपॉन चेंजिंग एरिया देखा था कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, 2 सरफेसेस होते हैं इसलिए लिखते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ के देखने वाले, आपको दिखाई तो दे रहा है स्टूडेंट क्योंकि आज थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि थोड़ा ब्लड दिखाई दे रहा, थोड़ा फाल्ट भी हो तो अगर तो बता देना, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ही ज्यादा फास्ट ले रहा हूँ, क्योंकि आपकी क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में जैसे कि हम पूरे साल में जो पढ़ना है वो मुझे एक महीने में पढ़ाना है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शॉर्टकट में कभी कभी कोई क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तो बता देना स्टूडेंट अगर ज्यादा फास्ट हो रहा है तो कॉमेंट बॉक्स में लिख के, सर थोड़ा फास्ट हो रहा है थोड़ा स्लो चलो, ठीक है मैं कोशिश तो करूंगा यहाँ पे, लेकिन क्या बोल सकते कभी कभी होता है ना। तो 2t की वैल्यू 3 × 10⁻²⁺ चेंज इन एरिया है, यहाँ पे मैं कन्वर्ट करके दूंगा आपको, देखो यहाँ हो गए 5 मतलब है ना 10⁻⁴, ये चेंज इन एरिया यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चेंज इन एरिया है ये भी लिखा तो चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपको सही लगे वो कर लेना। तो ये हो गया 100 × 10⁻⁴, यहाँ पे भी कर सकते थे 6 × 10⁻², ये प्लस टू 100 मतलब ये −4, ये से ये मर जाएगा प्लस माइनस, तो 6 × 10⁻⁴ जूल इतना वर्क हो रहा है। ओके सिक्स नंबर का जो क्वेश्चन है मेरे पास स्टूडेंट, देखो यहाँ पे पढ़ रहा हूं वर्क ऑफ 3 × 10⁻⁴ जूल, वर्क ऑफ 3 × 10⁻⁴ जूल, क्वेश्चन ले सकते हो, इज रिक्वायर्ड टू डन इंक्रीज इन साइज ऑफ सोप फिल्म फ्रॉम, कहां से 10 cm × 6 cm, ये लिखना 10 cm × 6 cm 10 cm × 11 cm, ये क्वेश्चन है हमारे लिए। नेक्स्ट बोल रहा है सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म कितनी होगी, सरफेस टेंशन यहाँ पे आप लोगों को देना है, फार्मूला तो तैयार है यार, बस यही फार्मूला टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे वर्क डिवाइड बाय 2 डी ए, तो टी इज इक्वल टू वर्क
यहां पे चेंज इन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है a2 माइनस a1, वर्क है 3 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 4 डिवाइड बाय a2 की वैल्यू बताओ 60 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 4 सॉरी a2 की 110 है और ये है 60 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 4 तो यहां पे 3 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 4 110 माइनस 60 क्यों क्योंकि इसको मैं कॉमन ले रहा हूं समझ में आ रहा है ना 10 रेस्ट टू माइनस 4 माइनस 4 कॉमन तो ये से ये मर जाएगा सॉरी 2 बाकी है तो भी 2 बाकी है यहां पे भी 2 बाकी है यहां 2 बाकी था तो यहां पे 3 डिवाइड बाय 2 110 से 60 गए 50 मतलब 3 इनटू डिवाइड बाय 100 तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3 100 को 10 रेस टू माइनस 2 समझ में आ रहा है कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट यहां पे बहुत इजी इजी क्वेश्चन से और इसका हिस्सा यूनिट के साथ में लिखो बहुत सारे बच्चों के ऊपर कंसंट्रेशन होना चाहिए क्वेश्चंस के ऊपर बच्चों कि डाइन है या न्यूटन है मतलब एसआई यूनिट है क्या सीजीएस है इसके ऊपर कंसंट्रेट करके आंसर देना कभी कभी आंसर सेम होता है तो फोकस करो लास्ट का जो क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट मैंने यहां पे व्हेन द रेडियस ऑफ सोप बबल इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस ऑफ सोप बबल इज इंक्रीज फ्रॉम 1 बार रूट ऑफ पाई टू 2 बार रूट ऑफ पाई सेंटीमीटर में तो वर्क डन इज 720 अर्ग्स इतना है द सरफेक्टेशन ऑफ सोप सॉल्यूशन कितना होगा सरफेक्टेशन हम वर्क का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे सेम फार्मूले पे थे तो यहां पे 2 टी डी ए मुझे टी निकालना है बच्चों तो वर्क 2 डी ए तो टी इज इक्वल टू वर्क क्या है मेरे पास 722 यहां पे जो एरिया है तो वो होगा फाइनल है ना माइनस इनिशियल समझ में तो आ रहा है ना फाइनल माइनस इनिशियल ये 2 तो ये है तो टी इज इक्वल टू यहां पे ये डिवाइड बाय 2 4 पाई कॉमन आर 2 की वैल्यू मेरे पास बच्चों यहां पे नहीं तो रख दो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं अंदर ही रखेंगे हम लोगों को फायदा होने वाला है 4 पाई आर 2 की वैल्यू ये है 4 और ये पाई नहीं समझ में आ रहा है देखो आर 2 की वैल्यू है 2 रूट ऑफ पाई तो पाई रूट के बाहर आ गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहां पे 4 पाई आर 1 की वैल्यू है 1 पाई नहीं समझ में आ रहा है देखो ये आर 1 का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 रूट ऑफ पाई का स्क्वायर किया तो पाई बार तो पाई से पाई मर गए यहां भी पाई से पाई मर गए t इज इक्वल टू 2 सॉरी यहां पे है मेरे पास 720 डिवाइड बाय 2 और ये हो गए 16 में से 4 गए तो 12 नहीं समझ में आ रहा देखो 4 4 जा 16 और ये 4 16 में से 4 गए 12 तो यहां पे 720 ये 24 तो t इज इक्वल टू 3 जा और ये 0 एज इट इज है ना 24 3 जा 72 और ये जो आंसर है सीजीएस में सभी तो इसलिए डाइन सेंटीमीटर डाइन पर सेंटीमीटर तो होप है कि बच्चों सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोगों को सीईटी में बहुत ज्यादा हेल्प करें इससे आप लोग देखो स्टूडेंट मैं पूरे तो क्वेश्चन सॉल्व करके देना पॉसिबल नहीं क्रैश कोर्स है क्रैश कोर्स में हो सकता उतना कन्वे करने की मैं कोशिश कर रहा हेल्प करने की कोशिश कर रहा तो आप लोगों को यहां पे क्या करना है मैक्सिमम ये क्वेश्चंस के थ्रू और कोई क्वेश्चंस को हेल्प होती है क्या देख लेना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है क्या मैं बताता हूं बुक्स का नाम भी मार्वल एंड टारगेट बुक्स लेना है हो सकता है इससे भी बहुत ज्यादा हार्ड हो देखो स्टूडेंट क्रैश कोर्स में ज्यादा से ज्यादा 30 या 35 तक हम लोग हेल्प कर सकते हैं 50 नहीं कर सकते जिनको 50 लेना है उन लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और मैंने तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है अगर आपको बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस हार्ड लगते हैं तो इस क्वेश्चन ये कांटेक्ट पे अब व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर है ठीक है व्हाट्सएप नंबर इस पे मुझे क्वेश्चन भेज के मैं सॉल्व करके दे सकता हूँ लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आए तो देना पॉसिबल नहीं होगा लेकिन जितने हो गए उतने देखो ऑलरेडी व्हाट्सएप पे नियर अबाउटली 100 बच्चे होंगे जो मुझे क्वेश्चन भेजते रहते हैं मैं आंसर देता रहता हूँ
लेकिन मुझे बता देना कि सर ये इसमें से ये क्वेश्चन नंबर ये मुझे बता दो तो मैं बता दूंगा, ठीक है। और पढ़ाई के लिए आपको बेस्ट लक। अगर जिनकी कल आपकी JEE की भी एग्जाम होगी, क्योंकि CET वाले JEE मेंस भी देते हैं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे देंगे, 90% तो देते हैं, तो उनके लिए मेरे तरफ से बेस्ट लक। और अच्छी तरह से साइलेंट माइंड से, मैंने इसके पहले एक वीडियो JEE लास्ट डे बोल के एक ऐसे थंबनेल का मैंने लास्ट डे प्रिपरेशन टिप्स ऐसे यहाँ पे एक थंबनेल बनाया है, ओके। उस थंबनेल में वहां पे मैंने इंपॉर्टेंस फार्मूले दे, इंपॉर्टेंस फार्मूले देने से हो सकता है कि आपको हेल्प हो जाए। वहां पे 10 क्वेश्चन ऐसे होते, 10 या 12 ऐसा, देखो लास्ट डे है ना, प्रिपरेशन टिप्स ऐसा दिया वाला है, ओके। JEE मेन ऐसा लिखा है, देख लेना आप, JEE मेन 2019 इंपॉर्टेंस फार्मूलेज एंड क्वेश्चंस, ऐसा थंबनेल बना है, ढूंढ लेना है और वहां पे उस पे फॉलो करके अपने दोस्त को भेजो, क्योंकि उनको भी हेल्प हो जाएगी। नीचे लिंक दिए, लिंक में भी देख लेना आप लोगों ने, लिंक में इंपॉर्टेंस फार्मूले दे चुका हूं मैं। थैंक यू एंड बेस्ट लक बच्चों के एग्जाम के लिए।